रिव्यू करेंगे इस वीडियो में केनाकोर्ट जेल 0.1% वेट के बारे में कि भाई ये क्या है, किस तरह से काम करती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम में चलाई जाएगी, कहाँ पर लगाना चाहिए, क्या सावधानी रखे, क्या क्या साइड इफेक्ट कर सकती है, दिन में कितनी बार लगाए, तो देखिएगा। देखिए दोस्तों, केनाकोर्ट जेल जो है ये अबट कंपनी का प्रोडक्ट है। केनाकोर्ट इंजेक्शन भी आता है 10 मिलीग्राम में, 40 मिलीग्राम में, वो एक अलग चीज़ है, जेल एक अलग चीज़ है। केनाकोर्ट 4 mg टेबलेट भी आती है, ठीक है, तीनों चीज़ों में आती है, जेल, टेबलेट और इंजेक्शन, तीनों का काम बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन सॉल्ट एक ही आता है, ट्राइएमसिनोलोन। दोस्तों ट्राइएमसिनोलोन एक एस्टेरॉयड है लेकिन सेफ है। कॉर्टिकोस्टेरॉयड जो होता है उसकी श्रेणी में आता है, जैसे कि प्रेडनिसोन गोली आती है, वाइसोलोन, ओमनाकोल्टिल, मेथीप्रेडनिसोलोन, मेड्रोल, ये सभी कॉर्टिकोस्टेरॉयड की श्रेणी में आती है दोस्तों, उसके अंदर ये आती है। काफ़ी सेफ एस्टेरॉयड है, बहुत जगह यूज़ किया जाएगा। देखिए ये ज़्यादातर मुंह में जो माउथ अल्सर होते हैं, छाले होते हैं, वहाँ पर इसे डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं। नंबर वन डॉक्टर रिकमेंडेड ये जेल है, काफ़ी यूजफुल है और बहुत काम आती है, जल्दी काम करती है, जो अदर जो ट्यूब आती है, जेल आती है, उनसे अच्छी ये मानी जाती है। देखिए माउथ अल्सर जैसे जीभ के ऊपर कोई छाले हो गए हो, आपके होठों के ऊपर कोई छाले हो गए हो, किसी चीज़ के कारण कट गई हो स्किन, उसकी वजह से घाव हो गया हो, मसूड़ों के ऊपर सूजन आ गए हो, स्वेलिंग आ गई हो, घाव के कारण, किसी चीज़ के खाने के कारण कट गया हो, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है वहाँ पर, फिर डॉक्टर ये जेल देते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, स्वेलिंग को कम करता है, एस्टेरॉयड है, स्वेलिंग कम करेगा, दर्द को कम करेगा, छाले को ठीक करेगा, रिपेयर करेगा, बहुत जगह ये काम आएगा। किस तरह से काम करेगा, देखिए जहाँ भी आपको लगी होगी बॉडी में, वहाँ से एक सिग्नल जाता है ब्रेन तक, फिर ब्रेन आपको वापस सिग्नल भेजता है कि आपको यहाँ पर चोट लगी है, वो पेन का एहसास कराएगा आपको, दर्द का एहसास दिमाग करवाता है वैसे, तो यह उसी सिग्नल को ब्लॉक कर देगा जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर लगी है, कहाँ पर दर्द है। जैसे आप इसका लगाओगे तो अंडर 10-15 मिनट के बाद आपका सूजन कम हो जाएगा, प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी और दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। छालों में दोस्तों बहुत दर्द होता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है, तो माउथ के अंदर ये यूज की जाती है। टॉपिकली है, लगाना है, पीना नहीं है, अंदर खाना नहीं है। गले के अंदर तक हो तो आप हाथों से लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत चल भी जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर इसको लगाने के बाद कोई असर ना दिखे तो इसके भरोसे मत रहिएगा, ओरली टेबलेट आपको लेनी पड़ेगी, कैप्सूल वगैरह लेने पड़ेंगे। बी कॉम्प्लेक्स टाइप बी कैप्सूल कैप्सूल आते हैं, विटामिन B12 टेबलेट आती हैं, वो रेबी फाइलोविन आता है, वो भी ले सकते हैं। डॉक्टर को बता दीजिएगा, वो अपने आप दे देंगे आपको बेस्ट मेडिसिन। थोड़े साइड इफेक्ट की बात करें तो लगाने के बाद हो सकता है जलन होने लगे, काम ना करे और कोई रिएक्शन हो जाए, रैशेज आ जाएं, तो ये साइड इफेक्ट है जो अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। वैसे कोई होते नहीं हैं, ज़्यादातर कभी कभार हो जाते हैं, वैसे घबराने कोई बात नहीं है, कोई आदत नहीं पड़ती, बिल्कुल सेफ है। बच्चा हो 10-12 साल का यूज़ कर सकता है, छोटे बच्चे के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। दोस्तों कॉमेडोक्स बताएगा और कौन सी मेडिसिन वीडियो देखना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ भी समझ में आया हो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।